हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रवण। और आप लोगों को अगर क्लास 10th में टॉप करना है, 90% लाना है, तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नया नया वीडियो भेजूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, टॉप करना है तो श्रवण लेक्चर चैनल से जुड़ जाए। दोस्तों आइए हम लोग बनाते हैं वैद्युत मोटर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए बताता हूँ। अगर आप लोग दोस्तों देखिए, आप लोगों को दो मैग्नेट ड्रॉ करना है, एन एंड एस, ठीक है। और ध्यान से ड्रॉ कीजिए, स्केल लेकर ड्रॉ कीजिए। ये देखिए, मैं आप लोगों को एक लाइन इधर पाड़ना है और एक लाइन इधर ड्रॉ करना है, ठीक है। दो लाइनें ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को इसे मिला देना है, ये एंड इसे ये मिला देना है। इसे भी हम मिला देते हैं, ठीक है। ऐसे मिला देना है और फिर हमें देखिए यहाँ एक लाइन पारना है, इसे ऐसे पारना है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करना है और इसे भी ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे ड्रॉ करना है दोस्तों। फिर हमें क्या करना है कि इसे कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है और फिर हमें इसे मिला देना है, फिर ऊपर को भी हमें मिला देना है, ये एंड ये। ये आपका पहला मैग्नेट बन गया है। अगर हम इसे नाम दें तो आपका एन मैग्नेट है, ठीक है। अगर आप लोग वैद्युत मोटर नहीं पढ़े हैं तो मैंने पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, देख सकते हैं उसके भाग और उसका व्याख्या। देखिए, हम दूसरा मैग्नेट बनाते हैं जो कि एस है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है और एक लाइन हमें ऐसे ड्रॉ करना है और यहाँ हमें इसे मिला देना है, ठीक उसी प्रकार से है। इसे मिला देना है और इसे भी मिला देना है, ठीक है ये। अब फिर हमें पीछे एक लाइन ड्रॉ करना है, ये। तो ऐसा ड्रॉ करने के बाद हम इसे लाइन को मिला देते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ क्लास 10th के लिए, आप लोग देख सकते हैं, क्लास 10th साइंस का। और मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि वैद्युत मोटर कैसे बनाएं, और मैंने मानचित्र भी बनाना बता दिया है, उसे भी देख सकते हैं। तो ये दो हो गए मैग्नेट, इसे एन नाम देते हैं तो इसे एस नाम देते हैं, एन एंड एस मैग्नेट, ठीक है। ऐसे दो मैग्नेट बनाना है, ये मैं विद्युत मोटर बना रहा हूँ। दो मैग्नेट बनाने के बाद हमें क्या करना है, बीच में हमें क्या बनाना है, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी यानी कि जो होता है चुंबक, चुंबक क्षेत्र यानी कि प्रबल चुंबक होता है ये, एंड हमें ये ऐसे दो लाइन पारना है, ठीक है। अब हमें यहाँ इन लाइनों को मिला देना है, ये इन लाइनों को ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि आधा इसे ले जाना है इतना ही, और इसे हमें इतना ले जाना है और इसे हम मिला देते हैं, ये ठीक है, इतना ले जाना है। फिर हमें क्या करना है, इन लाइन को यहाँ तक लाना है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक लाइन को लाना है। फिर हमें इस लाइन को भी यहाँ तक लाना है, ये ठीक है, यहाँ तक लाना है। और हमें यहाँ बनाना है ब्रूस। अगर आप लोग पार्ट्स नहीं जानते हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ये हमें यहाँ ब्रूस बनाना है। और यहाँ हमें बनाना है, यहाँ हम बना देते हैं, यहाँ हमें बनाना है ये एंड ये, ठीक है दोस्तों। ये मैं वैद्युत मोटर बना रहा हूँ और ये ऐसे बनाना है, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद ये आपका एक्स ब्रूस है, ये वाई ब्रूस है, ठीक है। मैं ब्रूस का नाम दे देता हूँ यहाँ। अब हमें इसे देखिए, जो ब्रूस का नाम दिया है, यहाँ से हमें एक लाइन खींचना है ये, और इसे हमें यहाँ ले जाना है और यहाँ ले जाना है और यहाँ हमें लगाना है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। और यहाँ हमें लगाना है कुंजी, जिसे हम के देते हैं नाम। तो यहाँ हमें इसे मिला देना है ये लाइन को, और इसे भी ऐसे मिला देना है। फिर हमारा ये बन जाएगा वैद्युत मोटर, और वैद्युत मोटर का चित्र हमें ऐसे ही बनाना है, इस ब्रूस से इसे मिला देते हैं। तो ये आपका दोस्तों बन गया वैद्युत मोटर। दोस्तों अगर वैद्युत मोटर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो ऐसे बनाना है। ये आपका है वैद्युत मोटर। अगर आप लोग वैद्युत मोटर के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, देख सकते हैं।
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।